हमारे YouTube चैनल समझदार ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास सिक्स चैप्टर सेवन इनपुट डिवाइसेस में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट डाटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे आपको नीचे दिखाई दे रही हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, लाइट पेन, बारकोड रीडर, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं और इनके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन इनपुट डिवाइसेस। सो इनपुट डिवाइसेस आर सम हार्डवेयर डिवाइसेस की इनपुट डिवाइसेस कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, माउस से कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं और पेंट में पेंटिंग कर सकते हैं, और स्कैनर के थ्रू कोई पेपर या किसी फोटो को हम कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी सिक्स इनपुट डिवाइसेस। द नेम ऑफ सिक्स इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोइंग। नंबर वन कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम नंबर अल्फाबेट्स एंटर कर सकते हैं और कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। नंबर टू माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, इसके साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। माउस के थ्रू हम कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं और पेंट ब्रश में पेंटिंग के लिए इसका यूज होता है। माउस में तीन बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रोल बटन। नंबर थ्री स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, ये जस्ट लाइक फोटोस्टेट मशीन होता है। इसमें क्या करते हैं, किसी फोटो या किसी कागज को, चाहे हैंड रिटन है या प्रिंट आउट है, उसको कंप्यूटर में डायरेक्ट फीड करना है तो उसके लिए स्कैनर यूज होता है। नंबर चार वेब कैमरा। वेब कैमरा देखने में आम कैमरे की तरह होता है पर ये कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। इसके थ्रू हम फोटो भी क्लिक कर सकते हैं और वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं और इसका प्रयोग वीडियो कॉलिंग के लिए भी होता है। नंबर पाँच लाइट पेन। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू हम कंप्यूटर पर डायरेक्ट काम कर सकते हैं, ये नॉर्मली सिग्नेचर के काम आता है। नंबर सिक्स बारकोड रीडर। बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है, ये जेब्रा लाइंस को रीड करने के काम आता है। जैसे आप किसी मॉल में या मार्ट में शॉपिंग करने जाते हो, उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर कोई जेब्रा लाइंस बनी होती है जिसमें उस प्रोडक्ट की प्राइस होती है, और बारकोड रीडर एक डिवाइस है जो उन जेब्रा लाइंस को रीड करके प्रोडक्ट की कीमत का पता कर सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का नीचे देख सकते हो जो वीडियो गेम खेलने के काम आती है। सो जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। इट हैज ए बेस ऑन विच स्टिक इज अटैच्ड। इसमें आप देख सकते हो नीचे एक बेस है जिसके ऊपर स्टिक लगी हुई है। दिस स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन, मीन्स कि जिस स्टिक को जिस डायरेक्शन में मूव करोगे उसी डायरेक्शन में आपका जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, वो काम करेगा। जॉयस्टिक स्पेशल गेम्स खेलने के लिए बनी है, क्योंकि अगर आप कीबोर्ड या माउस से गेम्स खेलोगे उससे कीबोर्ड माउस खराब हो जाएगा जल्दी से, बट जो जॉयस्टिक है ये स्पेशल गेम्स खेलने के लिए तैयार की गई है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू इनपुट डिवाइसेस। द टू इनपुट डिवाइसेस आर एक्सप्लेन्ड एज बिलो। नंबर वन कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हैज मैनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज। कीबोर्ड यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स। कॉमनली यूज कीबोर्ड हैज 104 कीज। नॉर्मली कीबोर्ड का प्रयोग टाइपिंग के लिए होता है। नंबर टू वेब कैमरा। इट इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज सिमिलर टू नॉर्मल कैमरा। इट यूज टू कैप्चर फोटोग्राफ्स और वीडियोज इन कंप्यूटर। इसकी मदद से आप कंप्यूटर में फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर वीडियो कॉल। वीडियो कॉलिंग के लिए भी कंप्यूटर में वेब कैमरे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन बारकोड रीडर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बारकोड स्कैनर। इट इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज यूज टू रीड प्रिंटेड बारकोड्स ऑन प्रोडक्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स, लेंस एंड सेंसर। दिस डिवाइस इज यूज्ड इन शॉप्स और स्टोर्स।
इट कैन हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एन आइटम। दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ स्कैनर। सो बारकोड रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो जेब्रा लाइंस को जब बारकोड को पढ़ने के काम आती है। जब आप किसी स्टोर, मॉल या मार्ट में जाते हो, वहां पे हर प्रोडक्ट के ऊपर एक जेब्रा लाइंस या बारकोड लगा होता है। इस कोड को जब आप काउंटर पे लेके जाते हो, कैश काउंटर पे, वहां पे जो पर्सन खड़ा होता है स्टोर वाला, वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट पकड़ता है, उसके ऊपर एक डिवाइस से लाइट निकलती है जिसमें से उसे स्कैन करता है। वो जिस डिवाइस से स्कैन करता है उसको बोलते हैं बारकोड रीडर, और जो प्रोडक्ट के ऊपर जेब्रा लाइंस बनी होती हैं उनको बोलते हैं बारकोड। और जैसे ही वो उस प्रोडक्ट के ऊपर स्कैन करता है तो उसकी जो प्राइस है वो सामने स्क्रीन पे आ जाती है। सो बारकोड रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो बारकोड या जेब्रा लाइंस को रीड करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज माउस, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ माउस बटन्स। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन। कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, उसके साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसके थ्रू जो कर्सर है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। माउस में 3 बटन होते हैं। पहले बात करते हैं लेफ्ट बटन की। इट इज यूज टू सेलेक्ट एन आइटम और अन्य प्रोग्राम। कि लेफ्ट बटन जब हम एक बार क्लिक करते हैं तो आइटम को सेलेक्ट करता है, अगर दो बार क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम को रन करता है या एग्जीक्यूट करता है। नंबर 2, राइट बटन। इट इज यूज टू ओपन ए शॉर्टकट मेन्यू। जब हम किसी आइटम या ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं तो एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होता है जिसमें हम किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या चला सकते हैं। नंबर 3, स्क्रॉल बटन। इट इज यूज टू मूव स्क्रीन अप एंड डाउन। ये माउस के सेंटर में होता है स्क्रॉल बटन, इसके थ्रू आप स्क्रीन को अप डाउन कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। पॉइंटिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू कंट्रोल द पॉइंटर और एरो ऑन द स्क्रीन। के पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से हम पॉइंटर या एरो को कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन पर। फॉर एग्जाम्पल, माउस, ट्रैकबॉल, टचपैड, लाइट पेन। पहले बात करते हैं माउस की। माउस के बारे में पहले भी पढ़ा है कि माउस इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन। की इसकी मदद से हम कर्सर की मूवमेंट को स्क्रीन पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन। ये आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। नंबर 2, टच पैड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैक पैड, इट इज ए स्मॉल पैनल। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग फिंगर्स। जस्ट लाइक माउस होता है, इसके थ्रू हम मतलब अपनी फिंगर्स को यूज करके पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं। इट इज मोस्टली यूज इन लैपटॉप्स इन प्लेस ऑफ माउस। कि लैपटॉप में आप देखा होगा कि नीचे आपको जो पैनल दिखाई दे रहा है ये माउस की जगह पे यूज होता है। जो आपको पैनल दिख रहा है ये काम आता है माउस, ये जैसे माउस के थ्रू पॉइंटर को मूव करते हैं, इसके नीचे लैपटॉप में लेफ्ट और राइट बटन भी बना होता है जिसके थ्रू जो काम माउस करता है वो टच पैड भी करता है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्पेशल कीज विद एंड देयर फंक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्पेशल कीज विद देयर फंक्शंस। स्पेशल कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। स्पेशल कीज एंड देयर फंक्शन। नंबर 1, एंटर की। दिस की यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अगर आप कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना चाहते हो टाइपिंग के दौरान, उसके लिए एंटर की का प्रयोग होगा। नंबर 2, स्पेस बार की। दिस की यूज्ड टू ऐड द स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। अगर दो शब्दों के बीच में स्पेस डालनी है तो उसके लिए स्पेस बार की का प्रयोग होता है। ये कीबोर्ड पे सबसे लंबी की होती है। नंबर 3, कैप्स लॉक की। दिस की यूज्ड टू टाइप द टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स। अगर आप बड़े अक्षरों में टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए कैप्स लॉक की हमें ऑन करनी पड़ेगी। नंबर 4, डिलीट की। दिस की यूज्ड टू डिलीट द करेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ कर्सर। अगर आप कर्सर के राइट साइड से करेक्टर डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए डिलीट की का प्रयोग होता है। और 5th है, बैकस्पेस की। दिस की यूज टू डिलीट द करेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर। अगर आप कर्सर के लेफ्ट साइड से करेक्टर डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए बैकस्पेस की का प्रयोग होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।